हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गैरेंडा। सो होपफुली आप सभी लोगों की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, बढ़िया तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। यहाँ पे कुछ क्वेरीज आ रही थी एग्जाम सेंटर के अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। स्क्राइब एक फीचर जो कि PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलता है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। और इस मीन टाइम में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे 29 दिसंबर को INT ने ऑफिशियल जब नोटिस निकाला था, आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस शुरू हुए थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुए थे। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आप सभी लोगों के जो एग्जाम सेंटर हैं वे अलॉट किए जाएंगे। बट ऑलरेडी आज 6 फरवरी है, मुझे ऐसा हाई चांस है, हालांकि ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, बट हाई चांस है कि 11 फरवरी के आसपास आप लोगों के एग्जाम जो सेंटर है वो अलॉट किए जाने चाहिए। इसके अलावा एडमिट कार्ड तो नॉर्मल रूटीन की तरह ये निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड ये हमेशा एग्जाम के एक या दो दिन पहले निकालते हैं, तीन दिन के पहले तो वैसे भी नहीं आने वाले हैं। यानी 18 फरवरी के पहले पहले तक आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जान लेना कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कब अलॉट किया जाएगा और किस जगह पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ताकि आप अपना रिजर्वेशन टिकट से मेंटली आप प्रिपेयर हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 फरवरी इज़ अ डेट जहाँ पे आप ये उम्मीद कर सकते हैं, उसके पहले थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है। इसके अलावा स्क्राइब का एक फीचर है, PWD कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, PWD वाले स्टूडेंट्स, तो उस पर दो ऑप्शन होता है। या तो आप स्क्राइब NTA की तरफ से लेके जाना, स्क्राइब के बारे में पहले समझ लेते हैं। स्क्राइब माने एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके बिहाफ पे आपका परीक्षा देगा, आपका पेपर देगा। उसके कुछ क्राइटेरिया है कि कौन आपके बिहाफ पे पेपर देगा। तो जितने भी PWD की कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं, 40% से ज़्यादा उनकी डिसेबिलिटी होती है, यानी कि दिव्यांगजन होते हैं, 40% से ज़्यादा उनका प्रॉब्लम होता है, डिसेबिलिटी होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को स्क्राइब का एक फीचर दिया जाता है, स्क्राइब की फैसिलिटी दी जाती है, जिसके हेल्प से वो अपने बिहाफ पे किसी और को लेके जाकर के परीक्षा दिलवा सकते हैं। तो दो ऑप्शन होता है यहाँ पे चूज़ करने का। जब आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप वहाँ पे चूज़ करते हैं कि ऐसा स्क्राइब आपको NTA की तरफ से बाई डिफ़ॉल्ट चाहिए या आप खुद से लाना चाहते हैं। अगर NTA की तरफ से आपने बाई डिफ़ॉल्ट चूज़ किया होगा तो NTA आपको अलॉट कर देगा, और अगर आपने स्वयं से स्क्राइब का ऑप्शन चूज़ किया होगा तो यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे CMO यानी कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, यानी कि जो सर्जन है, या तो फिर जो मेडिकल के सुपरिटेंडेंट होते हैं आपके सिटी के, वो जब इस चीज़ को सर्टिफाई करेंगे कि भाई आप पर्टिकुलरली 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं या ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम है, फिर ही आप स्क्राइब का जो फैसिलिटी है वो आप ले सकते हैं। और इसके बारे में आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट था आप सभी लोगों के लिए। तो अभी तक अच्छा एक क्वेश्चन और आ रहा था कि आप लोगों के एग्जामिनेशन जो है क्या वो मर्ज हो सकते हैं। तो देखिए, अभी ये बोलना बहुत ही ज़्यादा फुलिशनेस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्राउंड नहीं है ये कहने का कि एग्जामिनेशन आपका मर्ज होगा या नहीं होगा। और हाई चांस है कि आपका एग्जामिनेशन मर्ज ना हो, रीज़न भी क्योंकि जून का जो उनका एग्जामिनेशन होने वाला है, जो शेड्यूल्ड है, उसकी भी डेट्स इन्होंने प्रॉपर जो है अनाउंस कर दी है कि 13 से लेकर के 22 जून तक आपका जून साइकिल का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराने वाले हैं। तो अप्रैल लास्ट में जून वाले सेशन के फॉर्म्स भी आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही कम है कि आप लोगों का शायद ही एग्जामिनेशन यहाँ पे मर्ज कराया जाए। तो ये 3-4 अपडेट्स आप लोगों को देने थे, काफ़ी दिन से हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था और काफ़ी सारे आप लोगों के डाउट्स और क्वेश्चंस आ रहे थे। बिना किसी ग्राउंड पे कोई ऑफिशियल बात बोलना अच्छी बात नहीं है, तो एक कयास ही हम सभी लगा सकते हैं और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसको आप लोग ऑन रखिए। पेपर वन की कंप्लीट प्रिपरेशन UGC नेट की मैं आप लोगों को कराती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी चैनल पे। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है, 7-8 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है, मेजर बड़ी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और UGC नेट पेपर वन का आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लासेस देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, कंसर्न है तो ज़रूर से पूछिएगा। इस वक्त बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या छोड़ना है। तो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ के जाने हैं उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, यहाँ से आप देख लीजिएगा और इन टॉपिक्स को आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे जो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं उसको अटेंड करिए। Paper 2 Commerce है, कॉमर्स में आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं और सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री चलती है पेपर वन की। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट होगा तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ऑल द बेस्ट। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।